इतिहास में आपको चार अक्षर वाले शब्द पढ़ाऊंगी, ठीक है, जो हमारे चार अक्षर वाले शब्द हैं, ठीक है। देखिए, ब, कौन सा अक्षर लिखा है मैंने, ब प्लस र प्लस त प्लस न, ठीक है। इन चारों शब्दों को जोड़ के हमारा कौन सा शब्द बनेगा, ब र त न, तो हम यहां क्या लिखेंगे, बर तन, क्या लिखेंगे, बर्तन, ठीक है भैया। मैनो यहां लिखेंगे हम ब र तन, बर्तन, ठीक है। अब हम अगला अक्षर लेते हैं प, क्या लिखा है मैंने, प च प्लस प, दोबारा से प लिया है मैंने, न। इन चारों शब्दों को जोड़ के हमारा कौन सा शब्द बनेगा, प च प न, तो यहां हम क्या लिखेंगे, प च प न, ठीक है भैया। मैनो यहां लिखेंगे हम पचपन। आगे का हम लेते हैं श, कौन सा अक्षर है ये हमारा, श प्लस र प्लस ब प्लस त, इन चारों को जोड़ के हमारा क्या बनेगा, श र ब त शरबत, क्या बनेगा, शरबत। शरबत पीते हो आप, गर्मी पड़ रही है, गर्मियों में शरबत पीते हो, वही शरबत, ठीक है। रूह अफ़ज़ा डाल के पीते हो या नींबू डाल के पीते हो, वही शरबत, ठीक है भैया बहनो। आगे का हम लेते हैं न प्लस ट प्लस ख, कौन सा अक्षर है ये हमारा, ख प्लस ट, इन चारों को जोड़ के हमारा कौन सा शब्द बनेगा, न ट ख ट, कौन सा बनेगा, न ट ख ट, नटखट। आप सब शैतानी करते हो ना, तो आपकी मम्मा आपसे बोलती है ज्यादा नटखट मत बनो, ठीक है। आप सबको समझ में आ रहा है, कौन कौन अपनी मम्मा को परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा शरारत करते हो ना, ठीक। अब हम आगे का लेते हैं अ, कौन सा शब्द है ये हमारा, अ प्लस ज प्लस ग प्लस र, ठीक है भैया बहनों। अ ज ग र, इन चारों को जोड़ के कौन सा शब्द बनेगा, अजगर, ठीक है भैया बहनों, अजगर। आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अ ज ग र अजगर, ठीक है भैया बहनों, आप सबको ध्यान से पढ़ना है, ओके। न फ प्लस र प्लस त, इन चारों को जोड़ के क्या बनेगा, न फ र त, नफरत, क्या बनेगा, नफरत। आप सबको समझ में आ रहा है, इन शब्दों को जोड़ के क्या बनेगा, न फ र त, नफरत। आप सबको ये ध्यान से पढ़ना है और याद करना है, जब तक आपको अक्षरों की पहचान नहीं होगी आप
अक्षर नहीं पढ़ पाओगे तो आपको अक्षर भी याद होने चाहिए। ठीक है भैया बहनों, ये है हमारे चार अक्षर के शब्द, आप सबको ध्यान से पढ़ना है और लिखना भी है। ठीक है, धन्यवाद।